नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में आपको बता रही हूं अपनी हथेलियों का सुबह सुबह दर्शन करने का क्या लाभ है और क्यों इसे अच्छा बताया गया है। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि यहाँ जो जानकारी मिलती है आपको मुश्किल से ही कहीं और मिल पाएगी। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं, ऑनलाइन परामर्श सबसे सेफ है। आप हमसे जो भी जानकारी लेते हैं ज्योतिष संबंधी, वो पूर्णतः गुप्त रखी जाती है। जब आप किसी दरबार में जाकर परामर्श लेते हैं तो वहाँ पर बीमारियों का भी खतरा होता है। इसके अलावा आपकी बात गुप्त नहीं रहती, हज़ारों लोगों की भीड़ में आपकी बात इतने लोगों को पता चल जाती है, आपके घर के भेद आप खुद ही खोल देते हो, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कल को जब आप अपने बेटा बेटी का संबंध, विवाह संबंध तय करोगे तो आपकी घर की बहुत सी बात बाहर लीक हो जाती है। तो इसलिए बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो अपने घर की बात को गुप्त रखना सीखो। जो भी उपाय करते हो, यदि वो गोपनीय तरीके से नहीं किया गया तो उसका कोई फल भी आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए ज्योतिषी सिर्फ एक इंसान है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये नहीं कि अपने यहाँ शोषण करवाओ, किसी के कुछ भी बोलने से, बद्दुआ देने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप सही हो। तो घबराओ मत और ऑनलाइन परामर्श लो, जिससे कि सबसे सेफ तरीका है। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन परामर्श ले रहा है, क्या परामर्श ले रहा है, क्या उपाय कर रहा है। सबसे सेफ तरीका है, थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर मत लगाओ, अपने घर की प्रतिष्ठा दाव पर मत लगाओ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको बताते हैं कि हथेली को सुबह सुबह क्या करना चाहिए और उसका क्या परिणाम आपको मिलता है। मित्रों, ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि सुबह सुबह जगकर सबसे पहले अपनी हथेली का दर्शन करना चाहिए। जो मनुष्य सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को चूमता है और इस मंत्र को पढ़ता है, उसके सभी काम सफल होते हैं, क्योंकि हाथ में ही माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और पालनहार भगवान श्री हरि का वास होता है, ऐसा कहा गया है। तो जो मनुष्य इस बात को समझता है और सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करता है, कर दर्शन करता है, उस मनुष्य को ज़िंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये कर्म उस इंसान को इतनी मजबूती देता है जो उसको आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको अपनी हथेलियों का दर्शन करना चाहिए, उन्हें चूमना चाहिए और उनको ही देव सदृश समझकर उनकी आराधना करनी चाहिए। सुबह जगते ही सबसे पहले आप अपने इष्ट देव कुलदेव का स्मरण भी करें। सुबह जगते ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर का मतलब होता है हाथ। तो सुबह सुबह अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हाथ में लक्ष्मी, सरस्वती और साक्षात गोविंद का वास होता है। इसके द्वारा आपकी एकाग्रता बनी रहती है, आपकी आध्यात्मिक भावना पुष्ट होती है और आपका किसी और पर नहीं, अपने पर ही विश्वास जगता है। आपके अंदर ये ठोस मनोबल जागृत होता है कि आपका हाथ ही सब कुछ है। जो कुछ भी आपको इस दुनिया में हासिल करना है, वो अपने ही हाथों के द्वारा, अपने ही पुरुषार्थ के द्वारा हासिल करना है। और ये दृढ़ संकल्प आपको लेना पड़ता है कि आप किसी के भी आगे कभी हाथ ना फैलाएंगे। मित्रों, वो स्थिति बहुत ही दयावह और दुखमय होती है जब कोई मनुष्य किसी भी चीज़ के लिए दूसरे के आगे हाथ फैलाता है। यहाँ सिर्फ भोजन मांगने या कपड़े मांगने या पैसे मांगने से ही तात्पर्य नहीं होता। आप छोटी से छोटी हेल्प के लिए भी जब दूसरों के लिए आगे हाथ फैला देते हो तो आपका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। आप उस व्यक्ति के अधीन हो जाते हो, आपकी जो सत्ता है वो खतरे में पड़ जाती है। तो अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए, एक मजबूत इंसान के रूप में उभरने के लिए, अपने घर परिवार का और स्वयं का पोषण करने के लिए प्रातःकाल कर दर्शन मतलब हाथों के दर्शन का विधान बताया गया है। और जो मनुष्य सुबह सुबह जगते ही अपने हाथों का दर्शन करके ये संकल्प लेता है कि उसको ज़िंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, ये हाथ उसके कर्म के लिए हैं, उसके पुरुषार्थ के लिए हैं। और इस मानव जीवन में वो जो कुछ भी चाहता है अर्जित कर सकता है अपने बुद्धि विवेक के द्वारा और अपने हाथों के द्वारा। तो इसीलिए कहा गया कि अपने भी हाथ कभी गंदे नहीं करने चाहिए। गंदे मतलब कभी भी अपने हाथों के द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जो गलत कार्य की श्रेणी में आए। तो हमेशा ऐसा कृत्य करें, सुबह सुबह जगकर अपने हाथों को प्रणाम करें, सिर माथे पर लगाएं, उनको चूमें, अपनी आँखों पर लगाएं। इससे नेत्रों पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, कई शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है।